गाइस जैक ब्लॉग में आपको स्वागत है। कैसे आई होप आप लोग भी अच्छे होंगे। गाइस तो आज मेरे घर में बन रहा है जीरा राइस और राजमा। तो कैसे बनता है चलिए आप लोगों को दिखाते हैं। तो हमने ले लिया है कटोरे घी, तो चलिए इसमें हम डाल देते हैं। अभी दिखा रहे हैं कर रहे हैं और थोड़ी सी हमने डाला था पहले से ही गाजर और डाल देंगे हम गाजर और थोड़ा सा प्याज। तो गाइस कैसे बनता है, बहुत ही टेस्टी लाजवाब बनता है। एक कटोरी हमने लगी हरा मटर और थोड़ा सा और हमने जीरा डाल देते हैं। देखिए हो गया और इसको अच्छे तरीके से ऐसे मिक्स कर लें। उसके बाद और क्या क्या पड़ेगा, यह देखिए मेरे पास इतना राजमा है 1 kg भर। इसको हम बनाएंगे राजमा के सब्जी और ये है चावल 2.5 kg भर। तो इसको बनाएंगे। देखिए हमारी दाल हो चुकी है। हाँ, इसमें सिर्फ धनिया पत्ती मिलाना है, बहुत ही लाजवाब। तो गाइस अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सो चलिए इसको पहले हम अभी क्रश करते हैं इसके लिए। और थोड़ी सी हमने प्याज रख लिया है, इतना हमको क्रश करना है। चावल काफ़ी ज़्यादा हो गया है तो इसमें कितने ग्राम कर सकते हैं आप देख लीजिए। इसके सहारे से हमने डाला इसमें और फिर उसके बाद फिर हल्के हल्के हाथों से इसको उठाकर। तो गाइस काफ़ी टाइम से करण बोल रहा था मेरे भाई कि आप जीरा राइस बहुत अच्छा बनाती है, तो सोचिए थोड़ा थोड़ा सब्जी भी हमने डाल दिया है, गाजर का, गाजर खाना भी चाहिए। तो गाइस देखिए अभी चावल तो काफ़ी ज़्यादा चाहिए, हमने बड़ा कुकर चढ़ाया है। या पूरा इसमें चला गया, बस थोड़ा सा हल्का सा नमक डालेंगे और उसके बाद उसके बाद सीटी लगाएंगे। सो गाइस अच्छा लगेगा खाकर, आप लोग भी ट्राई कीजिएगा, खाइएगा तो अच्छा लगेगा, आप लोग भी ट्राई कीजिएगा। एक मिनट रुको, सुबह फोटोज ले लेते हैं। थोड़ा सा और डालना है तो हम लोग डाल दिए थे, ठीक है ठीक है, ठीक तो है, लगता है ठीक तो पानी है, अगर डाल लीजिए हो गया ना। हाँ बहुत ज्यादा लग रहा है हमको, हट दो देखने दो ठीक है ना। तो गाइस इसमें टमाटर और मिर्ची और प्याज और लहसुन पीस लिया है और इतना का फोरन हमको डालना है, देख लीजिए। और राजमा के लिए देखिए आलू भी कट हो चुका है, जल जाएगा फोरन, उसके बाद फिर हमने आलू डाल लेगा इसमें। डाल दिए हैं 1 चम्मच हम मिक्स मसाला इसमें डालेंगे। थोड़ा सा लाल मिर्ची पाउडर कलर लाने के लिए, बस यही मेरा मसाला है। हमने एक कटोरा पूरा भर के राजमा ले लिया है और चलिए इसको फिर मसाला भून जा रहा है, आधा भून चुका है। अब आधा भूनते भूनते मैं इसको डाल देंगे ताकि मसाला में अच्छे से भुना है। 1 चम्मच हमने हल्दी लिया है